अलैकुम, मेरा नाम सफा मुश्ताक है और हम पढ़े क्लास 9th की जनरल साइंस चैप्टर नंबर 5 डिजीजेस कॉजेज एंड दी प्रिवेंशन। और इसका जो आज हम इस वीडियो के अंदर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स, कि हम जर्म से जो है वो अपना तहफ़ कैसे कर सकते हैं। जैसे इससे पिछले जो लास्ट वाला लेक्चर था, वीडियो थे, उसके अंदर हमने देखा था कि जर्म्स फैलते कैसे, उनके एजेंट्स क्या, तो हम उन एजेंट्स से कैसे कैसे बच सकते हैं, मेनली हम ये चीज़ देखेंगे इस टॉपिक में। और दूसरी चीज़ जो है वो हम देखेंगे अबाउट द स्मोकिंग एंड द स्मोक, धुआं और जो ये दूसरी स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह होती है, इसके इफेक्ट्स के बारे में देखेंगे और उससे फैलने वाली बीमारियों के बारे में देखेंगे सेकंड टॉपिक में। तो पहले हम अपना फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम द जर्म्स, कि हम जर्म्स से जो है वो तहफ़ कैसे हासिल कर सकते हैं। डिजीज को फैलाने वाले जो जर्म्स को स्प्रेड करने के लिए एजेंट्स हैं वो हमारे इर्द गिर्द जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। जैसे पीछे हमने पढ़ा भी है इसके बारे में, हवा, फूड, वाटर, फीसेस, स्किन, क्लॉथ, एनिमल्स, ये सारे के सारे जो हैं ये इसके एजेंट्स हैं। तो कुछ तरीके हैं जिससे हम इनसे बच सकते हैं। सबसे पहला है स्टरलाइजेशन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जिसके जरिए हम जर्म्स को किल करते हैं। और ये जर्म्स को किल कैसे किया जा सकता है कि ये एक प्रोसेस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर लिक्विड पोर्शन, मेनली मिल्क, जूसेस, जो है जितने भी लिक्विड फूड है हमारे पास, इस तरह के जो दूसरे फूड आइटम्स हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और कैसे करते हैं कि कॉन्टीन्यूसली 1 to 2 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड तक सिर्फ, लेकिन टेम्परेचर हाई देते हैं 148.9 सेल्सियस, इतना टेम्परेचर हम उसको देते हैं सिर्फ 2 सेकेंड के लिए। और उसके बाद जो है इसको रूम टेम्परेचर पे रखा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जितने स्पोर्स और जितने जम्स होते हैं इतने टेम्परेचर में उसको किल करने के लिए काफ़ी होते हैं, उसको किल कर देता है। और उसके बाद इसको विदाउट रेफ्रिजरेशन यानी फ्रिज में रखे बगैर आप उसको जो है वो रख सकते हैं और ये बिल्कुल ठीक रहेगा। ये प्रोसेस किया जाता है, हम लोग इंडस्ट्रीज में करते हैं इसको, ये जो पैकिंग में आपको खाना मिलता है, पैकिंग का दूध है, पैकिंग के अंदर जो ये फ्रूट्स के जूसेस वगैरह मिलते हैं, इनको स्टरलाइज ही तो किया जाता है। स्टरलाइज करने के बाद उसको पैकिंग्स में रख दिया जाता है और वो उसके ऊपर एक मुद्दत लिख दी जाती है, यानी कि इतनी देर तक जो है ये जर्म्स एक्टिवेट नहीं होंगे, उसके बाद जो है फौरन ही एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि ये जर्म्स जो है उतनी देर के बाद दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस है स्टरलाइजेशन का। इसके बाद सेकेंड वन है इज द कंट्रोल ऑन डिजीज ट्रांसमिट एनिमल्स, कंट्रोल ऑन डिजीज ट्रांसमिट एनिमल्स, यानी ऐसे जानवरों को कंट्रोल करना जो कि बीमारी को फैलाते हैं। तो अब पीछे हम पढ़ चुके हैं जैसे रेबीज फैलती है जानवरों से, इसके अलावा मलेरिया फैलता है, तो आप हमारे पास क्या है कि हम इनको कंट्रोल करें जो कि इनको फैला सकते हैं। जैसे इस तरह से यही है ना कि मॉस्किटो वगैरह को किल कर दिया जाए इंसेक्टिसाइड स्प्रे करके। इसके अलावा जो इसी तरह से जो रेबिड डॉग्स हैं, अगर वो सामने अपने उसको सिम्टम्स को जाहिर कर देते हैं तो उनको मार दिया जाए इससे पहले कि वो किसी इंसान को काट के उसके अंदर अपने जर्म्स को ट्रांसफर करें। तो ये हमारे पास एक तरीका है, इसमें क्या किया जाता है कि उन एनिमल्स को जो कि कैरियर होते हैं उनको आप किल कर दें, उनको मार दें, उनको अपने कॉन्टेक्ट में ना आने दें। थर्ड वन इज द वैक्सीनेशन ऑफ द पेट एनिमल्स, वैक्सीनेशन पेट एनिमल्स की। हम लोग शौकीन होते हैं अक्सर पेट एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, जैसे डॉग्स को, कैट्स को, पैरट्स को, इन जानवरों को रखने के शौकीन होते हैं। तो लेकिन ये है कि इसको रखने में कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इसको रख रहे हैं तो उसकी वैक्सीनेशन करवा लें, उसकी वैक्सीनेशन करवा लें ताकि उसके अंदर जो जर्म्स हैं वो एक्टिव ना हो और वो आगे जो है अगर आपके साथ मतलब रहते हैं और आपके उनके जरिए जो है वो आप तक वो जर्म जो है वो मुंतकिल ना हो। तो ये एक तरीका है
कि आप उनको उनका ट्रीटमेंट करवा लें ताकि जो रिस्क है कि आपको रेबीज ना हो जाए, स्किन की कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि उनके जर्म्स में जो है वो हमारे जर्म्स से ज़्यादा खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं हमारे लिए, तो वो कोई और मसला ना पैदा करते हैं, उसके लिए आपने जो पेट एनिमल रखा है उसकी वैक्सीनेशन करवा लें। नंबर फोर्थ इज द आइसोलेशन द इन्फेक्टेड पर्सन। ऐसे पर्सन जो पेशेंट है, यानी ऑलरेडी वो जर्म से इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो बेटर ये है कि आप उसको आइसोलेट कर दें, यानी उसको बाकी बच्चों से दूर कर दें, उसको स्कूल मत जाने दें, घर में उसका ध्यान रखें प्रॉपरली, लेकिन उसको खुद भी ध्यान से ट्रीट करें, अपनी सफाई का भी ध्यान रखें उसके साथ, तो उससे भी जो है वो क्या होगा कि हम बीमारियों से जो है वो जरासीमों से बच सकते हैं। नंबर फाइव है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन यानी कि अपनी खुद की सफाई का ध्यान रखें, रोज़ नहाएं, ये बहुत ज़रूरी है हेल्थी रहने के लिए। इसके अलावा पर्सनल हाइजीनिक में क्या हो जाता है कि आप जो है वो अपने हाथ धोते हैं, ख़ास तौर पर खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। इसके बाद सेकेंड वन इज़ अपने दांतों को ब्रश करें ट्वाइस अ डे, दो दफ़ा सुबह उठ के और शाम को सोने से, रात को सोने से पहले। इसके अलावा जो है अपने जो है नेल्स उनको ट्रिम करें और क्लीन करें, उसकी सफाई का ध्यान रखें, और अगर वो भर जाए तो उनको काट लें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सोर्स होता है कि नाखूनों के ज़रिए भी जरासीम जो है वो मुंह के ज़रिए एंटर हो जाते हैं। इसके साथ जो है कपड़ों को जो है वो धुले हुए पहने, वॉश क्लॉथ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि जब कपड़े धो लें तो उनको सूरज की रोशनी में, सूरज की गर्मी में जो है उसके कपड़े में उसको सुखाएं, क्योंकि वो भी जर्म्स को किल कर देता है, कई बार कपड़ों में जो कुछ जर्म्स होते भी हैं तो उसको किल कर देता है। इसके अलावा जो है अपने बालों का ध्यान रखें, हेयर शुड बी क्लीन्ड एंड वॉश्ड, उसको साफ़ सुथरा रखें, उसको धोएं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बच्चों में मसला होता है कि जुए मत पड़ने दें, उसका ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी वजह होती है बीमारियां फैलाने। इसके बाद सिक्स वन इज द सीवेज डिस्पोजल एंड द सैनिटेशन, पानी की निकासी का सिस्टम। सीवेज डिस्पोजल एंड द सैनिटेशन, सफाई और मेनली सीवेज डिस्पोजल सैनिटेशन कहते हैं निकासी, आपकी निकासी को, यानी पानी की सफाई का ध्यान रखें। प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेगा वाटरबोर्न डिजीज़ को, यानी ऐसी डिजीज जो कि वाटर के जरिए फैलती हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि पानी जो है उसको खड़ा मत होने दें अपने इर्द गिर्द, मेनली जो समर में फसला होता है वो हमें मलेरिया का ही इशू है, जैसे और आजकल तो एक और स्वेयर है कि डेंगू का भी इशू होता है, तो उसको जो है वो खड़ा मत होने दें वहाँ पे, पानी को वहाँ पे है अगर तो उसको भर दें, क्योंकि ये जो पानी गंदा ना ये जरासीमों के लिए, खास तौर पर प्लास्मोडियम के लिए, क्योंकि यहाँ पे मच्छर जो है वो अपने अंडे देते हैं, तो ये उनको ग्रोथ में बड़ी हेल्प करता है। तो अगर आप इसका ध्यान रखेंगे प्रॉपर सैनिटेशन का, तो भी हम बहुत ज़्यादा बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं। इसके बाद नंबर सेवन इज़ द इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि इंक्रीज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बढ़ाएं, और इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका जो है वो है वैक्सीनेशन। बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं ऐसी जिनको बच्चों को तकरीबन एक साल तक उसकी वैक्सीन दे दी जाती है। हमने पीछे बीमारी के बारे में पढ़ा भी था, ट्यूबरक्लोसिस है, वूपिंग कफ है, मीजल्स है, डिफ्थेरिया, पोलियो, टेटनस, इन सब की वैक्सीन जो है ये बच्चों को अंडर वन एज, वन ईयर ऑफ एज जो है दे दी जाती है, और इससे क्या होता है कि उसके लिए इम्यूनिटी पैदा हो जाती है उन जर्म्स के खिलाफ उसकी बॉडी के, लेकिन वो पहले इंट्रोड्यूस हो जाते हैं उसे, फिर अगर स्ट्रॉन्ग वाले आते हैं, वो इंट्रोड्यूस होने का हमें क्या फ़ायदा होता है उसकी बॉडी के अंदर, कि हम लोग वैक्सीनेशन में क्या करते हैं,
अब फॉर एग्जाम्पल आपको पोलियो की वैक्सीन दी जा रही है, तो पोलियो की वैक्सीन के दौरान पोलियो के ही डेड या फिर अनकॉन्शियस मुर्दा या फिर जो है वो तकरीबन बेहोश जरासीम बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, और वो उस बच्चे के अंदर जा रही हल्की फुल्की बीमारी जरूर जो है वो कॉज करता है, जैसे हल्का फुल्का बुखार होता है, बच्चे का पेट खराब हो जाता है, ऐसे ही सिम्टम्स उसके अंदर जरूर निकलते हैं क्योंकि जरासीम को हमने बॉडी के अंदर डाला है, लेकिन वो वीक होते हैं और बॉडी जो है बॉडी का जो नेचुरल सिस्टम है वाइट ब्लड सेल्स वो एक्टिवेट होके उसको किल कर देते हैं, जंग चढ़ती है बॉडी के अंदर, लेकिन चूंकि दुश्मन पहले से ही हमने कमजोर डाली होती है उसे जीत जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि वो वाइट ब्लड सेल्स एंटीबायोटिक्स बना देते हैं, वो एंटीबायोटिक्स पूरी जिंदगी उस बच्चे के बॉडी में रहती है, और फिर जब हवा के जरिए किसी और कॉन्टेक्ट किसी और एजेंट के थ्रू वो पोलियो के वायरस जो है सॉरी बैक्टीरिया वो एंटर हो जाते हैं बॉडी के अंदर, तो क्या होता है कि वो नहीं फिर फैलाते उसको, क्योंकि पहले ही बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक उसकी मौजूद होती है, उसको क्या कर देती है। ये भी एक है इम्यूनाइजेशन का तरीका। उसके बाद लास्ट वन इज एंटीबायोटिक ड्रग। एंटीबायोटिक ड्रग्स जो होती हैं ये किल करती हैं बैक्टीरियल या फंगल बीमारी को, यानी ऐसी बीमारी जो बैक्टीरिया से फंगस से फैलती है उसको हम जो है वो एंटीबायोटिक लेके ठीक कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वायरस के खिलाफ कभी एंटीबायोटिक नहीं काम करती, कोई भी ऐसी वायरल डिजीज वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होती, और वायरल डिजीज में अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं एंटीबायोटिक, और जब एंटीबायोटिक ले ली जाती है तो वो बीमारी को ठीक होनी नहीं क्योंकि वो वायरस ने फैलाई है, लेकिन जो बैक्टीरियल जर्म्स होते हैं वो भी उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं, और फिर इन फ्यूचर वो आपके ऊपर काम नहीं करती। ये भी बहुत बड़ी वजह बनती है एक बीमारी को फैलाने की, यानी कि इससे ये है कि अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि होगा स्मोकिंग और उसके बैड इफेक्ट्स, और हमारा दूसरा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ स्मोक एंड स्मोकिंग, यानी ये वाला स्मोक कौन सा है, जो आम स्मोक है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, एंड द स्मोकिंग यानी सिगरेट स्मोकिंग जिसको जो अपना आदि बना देती है इंसान को, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो तंबाकू को चबाते भी हैं, कुछ उसको सिगरेट में यूज़ करते हैं, कुछ उसको पाइप्स में या फिर सिगार की सूरत में भी इस्तेमाल करते हैं, और टोबैको के अंदर सिर्फ 50 कार्सिनोजिनस जो है वो मटेरियल्स मौजूद होते हैं, यानी ख़तरनाक किस्म के जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, लेकिन उसके अंदर हम सबके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ 3 कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और वहाँ से आप अंदाज़ा लगाएंगे इसका कितना ज़्यादा नुकसान है। नंबर 1 इज़ द निकोटिन, नंबर 2 इज़ द तार, एंड नंबर 3 आर द गैसेस मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 3 चीज़ें जो है वो सिगरेट के धुएं के अंदर मौजूद होती हैं, इनके बारे में हम जो है बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम निकोटीन के बारे में देखते हैं। ये निकोटीन जो है ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, और इतना पॉइजनस है कि ये इंसान को एडिक्ट बना देता है, अपना आदि बना देता है, और फिर उसके लिए ये मुमकिन नहीं रहता कि वो स्मोकिंग को क्विट कर सके, यानी कि वो इसके बगैर रह सके। ये बिल्कुल जैसे खाना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, उस इंसान के लिए स्मोकिंग वैसी ज़रूरी हो जाती है, और ये केमिकल है जो उसको अपना आदि बनाता है स्मोकर्स को। इसके अलावा जो है इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी नालियां हैं ब्लड वेसल्स वो तंग हो जाती हैं, और उनके तंग होने की वजह से जो ब्लड है उसको काफ़ी जो है वो पंप करना पड़ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए हार्ट को, और उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर भी रहता है उस इंसान का, यानी उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाई बीपी रहता है उसका। तो ये एक निकोटीन का है सबसे बड़ा, और हाई ब्लड प्रेशर होती है बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि जब एक पर्सन का काफ़ी लंबे अरसे तक ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो फिर क्या होता है कि उसकी जो आर्टरीज की इलास्टिसिटी है ना वो ख़त्म हो जाती है, जो उसकी पंपिंग एबिलिटी है वो इलास्टिसिटी के ख़त्म होने की वजह से जो उसकी आर्टरीज हैं वो सख्त हो जाती हैं, और उनके सख्त होने की वजह से अब जब अगर ब्लड होगा तो वो फट भी सकती है नाली, जिसकी वजह से ब्रेन हैमरेज भी होता है अक्सर, या फिर कोई नाली फटने से डेथ भी हो जाती है सडन, इसलिए हम ब्लड प्रेशर को जो है वो इतना लाइट नहीं ले सकते। इसके बाद नेक्स्ट है इज़ द तार। तार जो है ये एक जेली लाइक मटीरियल होता है,
जिलेटिनस मटेरियल है और ये मटेरियल जब हम सिगरेट के ज़रिए स्मोक के ज़रिए इनहेल करते हैं तो ये हमारे लंग्स के गिर्द सराउंड कर जाता है, यानी हमारे लंग्स को इसने घेरा हुआ है, उसके इर्द गिर्द ये पूरा लंग्स के टिश्यूज़ को ब्राउन कलर का चिपचिपा सा मादा है वो घेर लेता है और उसकी वजह से क्या होता है कि फिर लंग्स जो है वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाते, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पुअर वर्क करते हैं, पुअर फंक्शन। एक हेल्थी लंग और एक स्मोकर का लंग, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, उसके अपीयरेंस में बहुत फ़र्क होता है। एक हेल्थी लंग का कलर आपको नॉर्मल नज़र आएगा और एक जो स्मोकर होगा उसके लंग्स का कलर जो है वो ब्राउन या फिर ब्लैकिश हो जाता है कि लंबे अरसे तक वो करें। लेकिन अगर वो पर्सन स्मोकिंग को छोड़ देते हैं, इरादा कर लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो जिलेटिनस मटेरियल तार है ये उतर जाता है उनके लंग्स से, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो नॉर्मल पहली हालत पे आ सकता है। लेकिन ये है कि अगर बहुत लंबा अरसा हो गया तो फिर उसको रिमूव करना ज़रा बॉडी के लिए भी थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ये तार जो है ये अगर नहीं आप क्विट करते तो कुछ लोगों के अंदर ये लंग कैंसर भी कॉज कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट है, दैट इज़ द गैसेस एंड मेनली अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो सिगरेट के धुएं के अंदर मौजूद होती है, जब ये हमारी हम इसको इनहेल करते हैं, इनहेल करके ये हमारे हीमोग्लोबिन तक पहुंचती है, तो हीमोग्लोबिन तक ये जब पहुंचती है तो उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड के अंदर उसको रिड्यूस कर देती है, यानी कि हीमोग्लोबिन का काम होता है मेनली ऑक्सीजन को जगह जगह पहुँचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी लाना, और ये डिपेंड करते हैं दूसरे के कंसंट्रेशन के ऊपर। तो फिर हीमोग्लोबिन जो है अपना काम ठीक तरीके से नहीं करता, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो हार्ट रेट बढ़ जाता है क्योंकि इसको फिर काम ज़्यादा करना पड़ता है। हमारी हर सेल को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है, वो उसके बगैर काम नहीं कर सकते, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए दिल पंप ज़्यादा करता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है क्योंकि वो फिर सबको ऑक्सीजन देना जो है वो ज़रूरी होता है, इसके लिए वो अपना काम तेज़ कर देता है और उसकी वजह से दिल के मसल्स के ऊपर बर्डन पड़ जाता है, बर्डन ऑन कार्डियक मसल्स, जो दिल के अपने मसल्स हैं उनके ऊपर क्या पड़ता है, प्रेशर और बर्डन क्रिएट हो जाता है। और इस वजह से भी ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर कार्डियक फेलियर का रिस्क भी ज़्यादा होता है, दिल का दौरा पड़ना, हार्ट अटैक होना, उसका रिस्क इनके अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। इसके बाद ये थे इन तीनों केमिकल्स के बारे में, यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये 50 मैंने बोला इसके अंदर होते हैं, मैंने सिर्फ 3 डिस्कस किए हैं, और इन तीनों के इफेक्ट्स चेक करें, और आगे जो बचते हैं 47 उनके बारे में भी हम जिक्र नहीं कर रहे, तो इससे स्मोकिंग के इफेक्ट्स का आपको अंदाज़ा होगा कि कितना खतरनाक है। उसके बाद हम कुछ डिजीज़ के बारे में जिक्र करते हैं जो वो भी स्मोकिंग की वजह से ज़्यादा फैलती हैं, ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा। ब्रोंकाइटिस देखते हैं पहले, ब्रोंकाइटिस जो है ये एक बीमारी है ब्रोंक्यूल्स की। अब ब्रोंक्यूल्स किसको कहते हैं, हमारा जो वाइन पाइप है ट्रेकिया इस तरह से, और वो क्या हो जाता है कि यहाँ से आके वो डिवाइड हो जाता है, एक उस वाले लंग्स में और एक इस वाले लंग्स में, तो ये ट्रेकिया जब यहाँ पे आके डिवाइड हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई, जो मज़ीद आगे इसकी फिर है ये मज़ीद शाखें बना देता है छोटी यूँ, और पूरे उसके लंग्स के अंदर ये फैल जाते हैं छोटी छोटी सी ब्रांचेस में, फिर ये ब्रोंक्यूल्स बन जाती हैं, तो ये इसकी बीमारी होती है। और जब ये ब्रोंकाई क्या होता है कि ये इनमें स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है ये, और मेन रीज़न क्या होता है कि फिर खांसी के साथ जो है वो स्पटम प्रोडक्शन होती है, कफ के साथ जो है वो रेशा बलगम वो निकलता है, और इसकी जो सोजिश होती है मेनली उस बीमारी को हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंकाइटिस का। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जो दूसरी बीमारी हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एम्फिसीमा। एम्फिसीमा, अब देखें हमने बात की कि ये जो ट्रेकिया होता है ये डिवाइड कर जाता है दोनों फेफड़ों में, एक इधर और एक इस तरफ, और इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। अब आगे ये मज़ीद जो है वो क्या होता चला जाता है, बारीक होता जाता है, और एंड तक ये बिल्कुल बारीक हो जाता है, लेकिन एंड से अगर आप देखें इसको यहाँ से, तो ये ना यहाँ से ऐसे बलून लाइक बंद होता है इस तरह से, तो तब हम इसको नाम देते हैं एल्वुलाई का, हम इसको एल्वुलाई बोलते हैं।
तो ये यहाँ से बेलून की तरह से बंद होता है, यानी कि अंदर लास्ट से ओपनिंग खुली नहीं हुई इसकी, ये पाइप है छोटे छोटे से, और इसके इर्द गिर्द यहाँ पे सारी जो कैपिलरीज होती हैं इधर, उन्होंने इसको क्या किया होता है, सराउंड किया होता है, यानी खून की नालियों ने, वो यहाँ से आती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए। अब ये जो यहाँ से आती हैं, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो ये यूं फूल जाती हैं, और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो ये वापस अपनी पहली हालत में आ जाती हैं, यानी मसलसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती जाती हैं। अब एम्फिसीमा में क्या होता है, एम्फिसीमा में ये होता है कि ये जो इसके ये वाली लाइनिंग है, ये एयर पैसेज जो है इसके लास्ट वाला ये एल्वुलाई, ये सेंसिटिव हो जाता है, और सेंसिटिव होने से क्या होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी फूलेगा, सांस को अंदर लेके जाएगा तब ठीक है, लेकिन जब ये बाहर निकालेगा तब ये वापस अपनी पहली हालत में नहीं आएगा, इसके ये वॉल्स टूट जाएंगे, मतलब फिर ये इस तरह से हो जाए, इसके अंदर वाले जो टिश्यूज हैं वो यूं इस शेप में आ जाएंगे, ये नॉर्मल रेगुलर शेप में नहीं आएगा, और इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हो जाती है ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन ना ठीक तरीके से ब्लड में पहुंचती है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड ठीक तरीके से बॉडी से बाहर निकल पाती है। ये जो एरियाज बने हुए हैं यहाँ पे इन जगहों के अंदर, यहाँ पे ये गैसेस स्टक हो जाती हैं ये अंदर उसके, और वहाँ से ये बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से उस पर्सन का जो कलर है वो पर्पल हो जाता है, पिंक ब्लूश पर्पल कलर का, और उसको सांस लेने में भी मसला होता है। तो ये वजह भी एम्फिसीमा जो लोग स्मोकर्स हैं उनके अंदर ये ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा के चांस बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। इसके बाद जो है हम कुछ हार्ट डिजीज़ स्मोकिंग की वजह से देखते हैं, जैसे हमने पहले जिक्र तो किया है इसके बारे में, लेकिन अब हम इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं तो स्मोकिंग के, तो उसमें हम हार्ट डिजीज़ देखते हैं ड्यू टू स्मोकिंग। जैसे हमने पहले बात की कि स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि जो खून की नालियां हैं वो तंग हो जाती हैं, उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इस तरह से दूसरी भी दिल की बीमारियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्मोकर के अंदर डेथ की भी वजह बनती है। और ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो खास तौर पर जो इसके अंदर इफ़ेक्ट करती हैं वो आर्टरीज हैं, मैं बताया था कि इसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, ये इलास्टिक होती है, हमने अगर यहाँ से भी चेक करना हो आर्टरीज की तो हम आर्टरीज की पंपिंग से ये पल्स रेट चेक करते हैं, क्योंकि ये इलास्टिक होती है, इसके अंदर जो ब्लड आता है और जाता है तो ये बिल्कुल वैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पे इफेक्ट पड़ता है, ये हार्ड हो जाती हैं। तो और दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जो क्रोनरी आर्टरी है, क्रोनरी आर्टरी कौन सी होती है, ये वो आर्टरी है जो दिल की अपनी दीवारों को खून देती है, तो ये भी इफेक्ट होती है, ये भी अपना काम नहीं ठीक तरीके से करती, और जिसकी वजह से दिल की अपनी दीवारों को खून नहीं मिलता और हार्ट अटैक की वजह ज़्यादा चांसेस जो है उसके अंदर बढ़ जाते हैं। उसके बाद स्किन डिजीजेज इनके अंदर बहुत ज़्यादा ये भी आती हैं, स्किन डिजीजेज में स्मोकिंग के अंदर क्या क्या आता है कि नॉर्मली तो इनका स्किन कलर चेंज हो जाता है, इनके स्किन कलर के ऊपर ये बहुत इफेक्ट करता है, फिर दूसरे नंबर पे बॉडी के ऊपर रिंकल्स पड़ जाते हैं, और इनके अंदर जो एजिंग है, एजिंग के साइन वो भी टाइम से पहले जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, और इंसान जो है वो अपनी उम्र से बहुत बड़ा नज़र आने लगता है, जल्दी बूढ़ा हो जाता है वो, यानी एजिंग जल्दी शुरू हो जाती है उसके अंदर। ये है, फिर उसके बाद अब हम जो लास्ट में पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ स्मोक, ये हमने पढ़ा स्मोकिंग के बारे में, यानी उस स्मोकिंग के बारे में जो हमें अपना एडिक्ट बना देती है, जिसके बगैर जो एक दफ़ा दो तीन दफ़ा जब पर्सन उसको लेता है तो उसके बाद वो उसको अपना आदी बना लेता है, उसको छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स है ये हमने देखा यहाँ पे। उसके बाद हमने उनके इफेक्ट्स के बारे में जिक्र किया कि इसके ये आपको कैसे कैसे नुकसान देता है उस पर्सन को, फिर हमने इसकी ये देखा कौन से डिजीजेस फैलाता है, ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा को डिटेल में देखा, और उसके बाद हमने उसकी अदर जो डिजीजेस हैं हार्ट डिजीज स्किन डिजीज उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम उस स्मोक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो मेनली फैक्ट्रीज में या गाड़ियों के अंदर से निकलता है, तो वो एनवायरमेंट को कैसे नुकसान देता है। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ स्मोक, इससे पहले हम इसकी डिटेल पढ़ चुके हैं, अब हम स्मोक की करेंगे, नॉर्मल स्मोक जो वैसे हमारी अपनी इन्वेंशंस की वजह से, हमारी अपनी आराम की वजह से जो हम लोग पैदा कर चुके हैं वो कैसे एनवायरनमेंट को हमें और एनवायरनमेंट को भी नुकसान दे रहा है, दोनों चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर। इंसान ने बहुत प्रोग्रेस की है खास तौर पर इंडस्ट्रीज के अंदर, और मेनली इसने प्रोग्रेस की है पिछले तकरीबन 150 से 200
150 टू 200 ईयर्स के दरमियान इसने जितनी प्रोग्रेस की इतनी इसने पीछे कभी भी नहीं की, और मेनली इंडस्ट्रीज के ऊपर. इसके बहुत ज़्यादा वजूहत बनी है क्योंकि इसी टाइम पीरियड के अंदर बिजली इंट्रोड्यूस हुई है और उसकी वजह से हमारे लिए बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं. बिजली के इन्वेंट होने के बाद ही हमने बिजली से चलने वाले इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, फिर मशीनरी, फिर इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा इसको सहूलत मिली है. तो ये हमारी जो है वो बढ़ चुकी है. अच्छा, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो दुनिया की इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि ये चीज़ें अब हमारे लिए ज़रूरी भी बन चुकी हैं, वरना इसके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है. लेकिन इन सारी चीज़ों में मेनली जो हमें नुकसान हो रहा है बहुत बड़ा, कि इससे निकलने वाला धुआं, स्मोक, हम इसको ट्रीट नहीं कर रहे. ट्रीट करने के तरीके बहुत हैं लेकिन असल में वो एक्सपेंसिव है और हम उसको नहीं लेते जब तक हमारा हम मतलब ये चीज़ करते हैं कि जब तक हमारा गुजारा हो रहा है ओके ठीक है, जब तक हमें खुद कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा बहुत बड़ा ज़ाती, तो हम नहीं इस बारे में जो है वो सोचते. तो अब इसके जो स्मोक के अंदर जो पाई जाती हैं चीज़ें मेनली, वो कौन कौन सी हैं जो हमें नुकसान देती हैं. इसके कंपोनेंट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर इसके अलावा ऑक्साइड्स हैं मुख्तलिफ गैसेस के, जैसे नाइट्रोजन के, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ अ क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, ये चीज़ जो है इसके अंदर मेनली नुकसान देती है. तो इनकी वजह से हम इन्वायरमेंट के अंदर हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है वो इन्वायरमेंट में नुकसान हमें भी नुकसान दे रहे हैं. और वो कौन कौन से, सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के में क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा भरना शुरू हो गई हैं, और ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर स्टक होने की वजह से जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो हाई हो गया. इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. हर साल कुछ सेल्सियस का फर्क पड़ता जा रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, जो टेम्परेचर में इंक्रीज होता जा रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इतनी स्पीड से ग्लेशियर्स में बर्फ बन नहीं रही जितनी जल्दी वो पिघल रही है, और फिर हमारे पास इतना पानी इकट्ठा करने का कोई सोर्स भी नहीं है, और वो क्या होता है कि उसकी वजह से समंदर का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज हैं साहिल समंदर के करीब वाकया होते हैं वो जो है वो डूबते जा रहे हैं. हमारे पास पानी समंदर का लेवल ज़्यादा होता जा रहा है, लैंड ख़त्म होती जा रही है, और साथ सैलाब सबसे बड़ा फ्लड ये बहुत ज़्यादा अब आ रहे हैं. हर साल या फिर हर दूसरे तीसरे साल हमें इसका सामना और इसकी तबाहियों को बर्दाश्त करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जैसे अब जिन मौसमों में सर्दी और बहुत शदीद हुआ करती थी वहाँ तक अभी गर्मी नहीं जाती, और जहाँ पे गर्मी आ जाया करती थी वहाँ पे, और गर्मियों का जो दौरानिया है वो बढ़ता जा रहा है और सर्दियाँ छोटी होती जा रही हैं. क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा इसने असर डाला. फिर उसके बाद ओजोन डिप्लेशन. ओजोन किसको कहते हैं, हमारी इन्वायरमेंट के गिर्द, ये फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ के गिर्द यहाँ पे पूरी एक गैस है, मोटी सी तय उसकी यूं, तो इसने उसको क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है, और ये गैस मिलके बनी हुई है ऑक्सीजन से. इसका एक मॉलिक्यूल में 3 एटम ऑक्सीजन के शामिल होते हैं, O3 इसका फॉर्मूला है, और ये काम करती है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो सूरज से आती थी उसको ज़मीन तक नहीं पहुँचने देती. लेकिन अब क्या हो रहा है कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज में एनवायरनमेंट के, फॉर एग्जांपल इस तरह से ये और इस तरह से ये इसके अंदर छेद हो गया, सुराख, यहाँ से ये बारीक होती जा रही, काफ़ी बारीक दरमियान से, तो उसकी वजह से अब ये जो सूरज की हैं शुआएं ये अंदर पहुँच रही हैं, और जब ये अंदर पहुंच जाती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसको बाहर नहीं आने दे रहा है, क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो चुकी है, तो वो फिर इसको भी स्टक कर लेती है, और ये भी एक वजह बनती है फिर हमारे लिए, मतलब ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हो रही है. फिर दूसरे नंबर पर ऐसी बीमारियाँ जिनके बारे में हमने पास्ट में कभी सुना भी नहीं था, वो भी मोस्ट कॉमन हो चुकी हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम, गले के मसले, फिर उसके अलावा कैंसर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इसकी वजह से जो है वो कॉज हो रहा है. ये हमारा यहीं तक टॉपिक था अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द स्मोक एंड द स्मोकिंग. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मेंटल डिजीजेस के बारे में, और उसके साथ ड्रग्स और उसके इफेक्ट्स के बारे में, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.